हेलो पिला माने केमती होछो तुम माने सबु तमन को पुनी स्वागत करू छी केम विजुअल रो YouTube चैनल रे। जेमती कि सीपीईटी रो एको दमदार सीरीज चली छी। आमे ऑलरेडी कोन कोन डिस्कस कर सालेनी कि सीपीईटी रो मार्किंग पैटर्न कोनो एग्जाम डिटेल्स पूरा मार्किंग पैटर्न केमती कोनो एग्जाम हो छी एग्जाम रो पैटर्न सब डिस्कस कर सालेनी ऑलरेडी। तापर आमे सिलेबस आडे मूव करले सिलेबस रे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी ऊपर डिस्कस करले। सिलेबस रे आमे पूरा कंप्लीट सिलेबस देखिले कहारो बीएससी रो पूरा कंप्लीट सिलेबस जोटी की टोटल 6 सेमिस्टर रो 14टा कोर पेपर ता सहित जीई पेपर भी डिस्कस करले। तापर नेक्स्ट आमे मूव करू को बडे कि धीरे धीरे आमे सिलेबस रो टॉपिक को डिस्कस करिवा कि हमको पूरा टॉपिक को टॉपिक गुडा पढिवार होची सिलेक्टेड सेही टॉपिक गुडा को डिस्कस करिवा। आमे सबटु फर्स्ट मु केमिस्ट्री रे सिलेक्ट करू छी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आउ एही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुमको को चैप्टर पढिवार होची सेही चैप्टर रो को टॉपिक गुडा को बेसिकली इंपोर्टेंस देवार होची सेही गुडा आमे एही वीडियो रे डिस्कस करिवा। तो स्टार्ट करिया पूर्व गोटे जिन रखी जदि चैनल रे नुआ अछो एमती अमेजिंग वीडियो देखिबा को चाहू छो कार सीपीईटी एग्जाम पाइम तो चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु वीडियो को लाइक करनियंतु और निजरो फ्रेंड मान को सहित चैनल को शेयर मध्य करनियंतु। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एते इजीली नवाटा ठीक नै। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करबा पाइ प्रॉपर मैनेजमेंट रहिबा कोदा तुमरो कार की सीरीज रो केमती स्टार्ट करिवार होची कोटु पढिवार होची जोटा ऑलरेडी मु गोटे वीडियो रे डिस्कस करथिली कि धीरे से माने छोटो हिंट्स देथिल तुमको केमती जस्ट स्टार्ट करिवो। तो एही वीडियो रे मु पूरा कंप्लीट सिलेबस रो डिटेल्स टॉपिक गुडा कहिबी तुमको कि को टॉपिक रो सीपीटी एग्जाम रे क्वेश्चन आछी। प्रीवियस ईयर 2020 रो क्वेश्चन को एनालिसिस भी करा आइ छी आ संबलपुर यूनिवर्सिटी उत्कल यूनिवर्सिटी रो सिलेबस को मिक्स करबी जो इंपोर्टेंट टॉपिक गुडा मिली छी से इंपोर्टेंट टॉपिक गुडा को ओइडी डिस्कस करबी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रो। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करिवारे सबुडू मेन इंपोर्टेंस होउची कार जीओसी चैप्टर रो। एमती 10टा चैप्टर दे छी तुमको से 10टा चैप्टर रो सबुडू मोस्ट इंपोर्टेंट बेसिक फंडामेंटल सब क्लियर होबो कोथरे तुमरो जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जोड़ी तुम्हें को टॉपिक गुडा पढ़ बहुत गुडा जिन पढ़ कि स्पेशियाली तुमको ये गुडा को पढ़ा निहाती दरकार कारो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट गुडा से गुडा कौन इंडक्टिव इफेक्ट होगा मेसोमेरिक इफेक्ट होगा रेजोनेंस होगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा यही सब गुडा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट रे पड़ो। नेक्स्ट हूँ एसिडिटी बेसिसिटी रो कंपेरिजन रो क्वेश्चन आस तो तुम्हें सेटा भी ध्यान दे पार एसिडिटी बेसिसिटी रो कंपेरिजन के। नेक्स्ट हूँ एरोमेटिसिटी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक गोटे क्वेश्चन निहाती पाइब तुम्हें सीपीटी एग्जाम रे एरोमेटिसिटी ऊपर चाहे से रिएक्शन दे कि दे पारे किंबा कंपाउंड दे तो से कंपाउंड भीतर कोटा एरोमेटिक पचारि पारे एंती टाइप रो क्वेश्चन आसीबो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एही चैप्टर रो इंपोर्टेंस सबटु अधिक हम एथि पाइ दोची तुम्हें एही नेक्स्ट चैप्टर रो कोठु भी क्वेश्चन अटेंड करो सेके जीओसी लागिबो बुझियो जी। चाहे तुम्हें नेम रिएक्शन पढ़ो चाहे तुम्हें रिएजेंट पढ़ो चाहे एल्डिहाइड कीटोन पढ़ो को भी चैप्टर पढ़ो तुम्हें सेठी यूज हो जीओसी से जीओसी को सब मोस्ट इंपोर्टेंट बेसिक फंडामेंटल चैप्टर बोली कही पार। नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक स्टीरियो केमिस्ट्री एटा मोस्ट वेटेस्ट चैप्टर बोली मु कही पार सीपीटी एग्जाम रे निहाती तुम्हें 3टा रु 4टा क्वेश्चन पाइबो कारो स्टीरियो केमिस्ट्री रो से ए टॉपिक को छाड़ी के जीवार नहीं तुमको निहाती पढ़िबार अछि एते हार्ड टॉपिक नुए जस्ट किछिटा पॉइंट्स ऊपर तुमको ध्यान देवार अछि। ओके नेक्स्ट सबुडु फर्स्ट स्टीरियो केमिस्ट्री कोन पढ़िबो तुम्हें आइसोमर्स आइसोमर्स केमती पढ़िबो कॉन्फिगरेशनल कन्फर्मेशनल कॉन्फिगरेशनल तुम्हें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़िबो तापरे तुम्हें कन्फर्मेशन तुम्हारे स्टीरियो आइसोमर्स रे कोन पढ़िबो ऑप्टिकल आइसोमर पढ़िबो ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़िबो तापरे सबुडु मोस्ट इंपोर्टेंट जोटा तुम सीबीएसईएस सिलेबस को नहीं अछि सेटा मु कहू छी डिफरेंट प्रोजेक्शंस एंड देयर इंटर कन्वर्जन कौन कौन प्रोजेक्शन तुम्हें पढ़ी चो सोहर्ट्स प्रोजेक्शन न्यूमैन प्रोजेक्शन फिशर प्रोजेक्शन वेस्टेस प्रोजेक्शन यही सब गुड़ा तापर नेक्स्ट तारो इंटर कन्वर्जन माने तुम्हें सोहर्ट्स को केमती कन्वर्ट करिवो तुम्हारा फिशर रे न्यूमैन को केमती करिवो फिशर रे वेस्टेस को केमती करिवो फिशर रे। ओके नेक्स्ट जेन तुम्हारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑप्टिकल आइसोमर्स पढ़िबो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ आइसोमर मोस्ट इंपोर्टेंट गोटे क्वेश्चन पढ़ुछ मन रख तो गोटे क्वेश्चन आइदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर नॉल ऑप्टिकल आइसोमर्स रु पड़ी जो कि तुमको टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कैलकुलेट करने पड़ो। तापरे ऑप्टिकल एक्टिविटी पड़ो आउ कन्फर्मर्स पड़ो कन्फर्मर्स रे स्पेशियली तुम्हें पड़ो कहा पाई मुझे लिखी दूची इथेन पाई पड़ो आउ ब्यूटेन पाई पड़ो इथेन पाई पड़ो ब्यूटेन पाई पड़ो आउ गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट कहूँ साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेक्सेन पाई पड़ो साइक्लोहेक्सेन रो डिफरेंट फॉर्म तुम्हें देखिछो बोर्ड फॉर्म चेयर फॉर्म ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म ए सब रो एनर्जी तुम्हारा एनर्जी भितर ऑर्डर पचारि पारे स्टेबिलिटी ऊपर ऑर्डर पचारि पारे से सब गोटे क्वेश्चन आसो मोस्ट इंपोर्टेंट।
नेक्स्ट एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन रे तुम्हें सैचुरेटेड कंपाउंड पड़ो अनसैचुरेटेड कंपाउंड पड़ो माने अल्केन अल्किन अल्काइन तीन टाक पड़ो नेक्स्ट एरोमेटिक रे हमें एरोमेटिसिटी ऊपर पड़ो एरोमेटिसिटी रे एरोमेटिसिटी रो कंपैरिजन पुजेबारे या ऊपर सेठी किसी रिएक्शन ऊपर तुमको कोटे पचारी पारे तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन रे कौन कौन पड़ो तुम्हारे फॉर्मेशन आउ जेते भी रिएक्शन अच्छे कहार फॉर्मेशन अल्किन रो फॉर्मेशन हो गला तुम्हारा अल्काइन रो फॉर्मेशन हो गला ए सब पड़ो तार प्रॉपर्टीज रे माने तार रिएक्शंस पड़ो अलग कंपाउंड सहित एटी तुम्हें मेनली पड़ो कौन कौन तुम्हारे एलिमिनेशन रिएक्शन गुड़ा पड़ो एलिमिनेशन रिएक्शन पर तुम्हारा अल्किन फॉर्मेशन हो माने प्रिपेरेशन जो पड़ो तुम्हें एलिमिनेशन रिएक्शन थ्रो रु तो से एलिमिनेशन रिएक्शन रे मोस्ट इंपोर्टेंट तीन टाइम लिखी E1, E2 पड़ो E1CB मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमिनेशन थ्रो कंजुगेट बेस्ड फॉर्मेशन ए रिएक्शन गुड़ा इंपोर्टेंस देवे कोड़ी एलिमिनेशन रिएक्शन एडी आउ दुटा इंपोर्टेंट सेटजेव रूल होपमैन सेटजेव एलिमिनेशन होपमैन एलिमिनेशन मोस्ट इंपोर्टेंट ए टॉपिक रो ध्यान दे परबो सेटू क्वेश्चन आसुची लास्ट ईयर भी आसुची सीपीटी एग्जाम रे नेक्स्ट अल्किल हैलाइड आउ अराइल हैलाइड जेंते मु कहितली तुम लेवल चेक करबो पूर्व वीडियो रे जेतला प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बतेतली तुम मानको सेंते लेवल चेक करला बडा कोन कहितली फर्स्ट लेवल रो मु रखितली 11 12 रो कोन पई रखितली बुझि परछो कने तुम सेही टॉपिक गुडा ही अछि किंतु टिके एडवांस लेवल रे अछि तो सेही टॉपिक गुडा 11 12 रे जो गुडा पढ़जो सेही बेसिक गुडा तुमरो जदि क्लियर अछि तो इजीली तुम्हें क्वालिफाई करि परबो एग्जाम सो एटी भी सेम प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज पढ़िबो मेनली अल्किल हैलाइड अराइल हैलाइड रे पढ़िबो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ए रिएक्शन गुडा को रिएक्शन गुडा तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल रिएक्शन माने SN1 SN2 आउ SNI रिएक्शन गुडा मोस्ट इंपोर्टेंट ए चैप्टर रो से क्वेश्चन पचारु जे SN1 रो कंपैरिजन करू छी SN2 रो कंपैरिजन पचारु छी सेति पई इंपोर्टेंट टॉपिक एटा नेक्स्ट अल्कोहल फिनोल इथर इपोक्साइड ए गुडा रे कोन पडो सबुट मोस्ट इंपोर्टेंट जे तांगरो प्रिपरेशन तुम सपोज मु अल्कोहल कथा कहबी अल्कोहल को केंदी प्रिपेयर करबो माने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल रो प्रिपरेशन तार फिजिकल प्रॉपर्टीज रे से कोन कंपैरिजन कर परे तुमको बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट रो कंपैरिजन कर परे नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज रे से तुमको कहबो कि ये सपोज प्राइमरी अल्कोहल तुमरो रिएक्ट करूची अल्किल हैलाइड सहित प्राइमरी रिएक्ट अल्कोहल रिएक्ट करूची एसिड सहित प्रोडक्ट कोन फॉर्मेशन हो तो या ऊपर भी क्वेश्चन पोचारी परे से कार अल्कोहल फिनोल इथर इपोक्साइड इपोक्साइड रे लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आ चलता था तुम्हें इंपोर्टेंस दे कि कोइ पारे वो इपोक्साइड रो क्वेश्चन आछी को रिएक्शन गुडा खाली मेनली तुम्हें ध्यान दबो एटी रिएक्शन विथ ग्रिग्नास रिएजेंट ए रिएक्शन गुडा को ध्यान दे पारिबो तापर सबुट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक तुम्हें 12th रो ऑर्गेनिक को किंबा बीएससी रो ऑर्गेनिक को इंपोर्टेंट टॉपिक होची एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड कौन पाई कि एई टॉपिक रे बहुत गुडे तुम्हारो नेम रिएक्शन होची से नेम रिएक्शन गुडा को मध्य कहबे कि को नेम रिएक्शन को तुमको स्पेशली पढिबार होची एग्जाम पाई तो एटी भी तुम्हें प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज आउ नेम रिएक्शन गुडा ध्यान दे पारिबो को नेम रिएक्शन मु कहू जी जस्ट टिके ध्यान दियो फर्स्ट लास्ट डे सॉरी जाओ तबरे नेक्स्ट हो जी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड स्पेशली नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड रे तुम्हारा गुटा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मु कोई रहू जोडा क्वेश्चन आसु जी सीपीट रे जो टेस्ट गुडा आजी तुम्हारा हिंसबर्ग टेस्ट ला नाइट्रोस एसिड टेस्ट सी टेस्ट गुडा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमीन रो कंपैरिजन पई सेटा पडिबो मेनली तबरे प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज नेक्स्ट हो जी बीडीसी बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट कंपाउंड जो कंपाउंड थ्रो रु तुम्हें सब टाइप रे कंपाउंड फॉर्मेशन कर पारिबो चाहे तुम्हारो एराइल हैलाइड हो तुम्हारो फिनोल हो तुम्हें को भी सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट फॉर्मेशन करुचो सेटा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड रो पोर्ट तुम्हें बाहर कर पारिबो तो सेति पे एटी मु इंपोर्टेंस देजी बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को नेक्स्ट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड किबा पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड रे तुम्हें पढिबो स्पेशली दीटा जिनस पढिबो मेनली तुम तार एरोमेटिसिटी रो कंपैरिजन पचारि परिबो जेंति कि तुमरो फिनोल सॉरी फिनोल कोजी थायोफिन पाइरोल पिरिडिन तापर तुमरो बेंजीन तुमरो फ्यूरन ए सब रे तुमको एरोमेटिसिटी रो कंपैरिजन पचारि परे किबा इलेक्ट्रोफिलिक रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रो क्वेश्चन पचारि परे तो सेति पे मु एटा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को इंपोर्टेंस देछि सेटा भी देखि परिबो आउ मेनली को पोजीशन रे तुमरो इलेक्ट्रोफाइल ला सब्स्टिट्यूट हो सेही रिएक्शन गुडा को ध्यान देतो बेबी नेक्स्ट हो जे ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेक्ट्रोस्कोपी रे तुमको मेनली इंपोर्टेंस देबा को पडियो बेसी एडवांस लेवल रे पडिबा नै मेनली तुमरो कंपैरिजन कहार कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा मैक्स एआर कंपैरिजन कैलकुलेशन पचारि पचारु छै से क्वेश्चन रे काहो वुडवर्ड फुस्टर रूल को यूज करकी तो एटा ध्यान रखि परबो तापर आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी गुडा मन रखितो ठीक कंपाउंड गुडा जो आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जे ताकू ध्यान देतो
आउ नंबर ऑफ एनएमआर सिग्नल आउ केमिकल शिफ्ट वैल्यू को लेके से क्वेश्चन दोजी कौन दे दोजी से तुमको सही कंपाउंड ओडे क्वेश्चन दे दोजी सेटे नंबर ऑफ सिग्नल्स दे दोजी आउ सेटा कहार स्ट्रक्चर माने से कंपाउंड ता कोनो सीतार बेसिस रे क्वेश्चन पुछोजी तो याको भी ध्यान दे पाइबो। नेक्स्ट होजी बायो मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एमिनो एसिड ए सब जनस पढिबार होची एटा लास्ट रे तुमे रखियो कोन पा ए चैप्टर टा टिके लर्न पक करियो चैप्टर माने तुमरो जदी रट्टाफिकेशन होलो जे रट्टा होलो जे तो ए चैप्टर को पढि पारियो मेनली जदी पढू न बे मु कहू जे स्पेशली तुमे कार्बोहाइड्रेट्स को ध्यान देकि पढिथबो और कार्बोहाइड्रेट्स रे तुमरो जत्ते भी एल्डोल अछि तांगरो रिलेशन आउ एपिमर्स एनोमर्स को मोस्ट इंपोर्टेंट कहू जे सेटा पढिबो कोटू पढिबो या पई मु गुडे बहुत जबरदस्त ट्रिक बतै छी गुडे वीडियो रे से वीडियो टा भी मु डिस्क्रिप्शन लिंक रे दे देबी तुमको कार्बोहाइड्रेट्स उपरे तार इंटर कन्वर्जन ऑफ एल्डोल आउ तार रिएक्शन जते भी अछि तार रिलेशंस एपिमर्स एनोमर्स माने कोनो तुमरो सी2 एपिमर सी1 एपिमर एनोमर ए सब रो कंपैरिजन उपरे क्वेश्चन पड़े तापर मेनली मु नेक्स्ट जो गुडा कहबी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम जदी स्टार्ट करू जो केमिति स्टार्ट करिवो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ता बेसिस रे मु कहबी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट केनती करिवो फास्ट होली तुम्हें तो एटा देखी देलो कि वीडियो रे की सारे एंती पढिबार अछि एही चैप्टर मेनली पढिबार अछि किंतु बेसिकली तुमको केतडा पॉइंट उपर ध्यान देबा को पड़बो आ सेही पॉइंट को ध्यान देकि तुम्हें पढिबो तुमको इजी लागिबो पढिया पई जत्ते भी नेम रिएक्शन अछि ताको सेपरेट पढि दियो चैप्टर वाइज पूरा पढोनी नेम रिएक्शन को सेपरेट पढि दियो तापर कोन करो एंती प्रोसेस रे पढो देखो मोई कहू छी कोन करो सबुडो फास्ट स्टार्ट करलो तुम्हें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करलो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नेक्स्ट तुम्हें पढ़ी दियो स्टीरियोकेमिस्ट्री को स्टीरियोकेमिस्ट्री और भाई स्टीरियोकेमिस्ट्री रो इंपोर्टेंस बहुत सब जगह रे तुम्हारो यूज हो स्टीरियोकेमिस्ट्री ए स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ी सरला परे तुम्हें नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट एटा करलो सेकंड पॉइंट स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़लो थर्ड पॉइंट जदी तुम्हें पढ़ी पड़छो कोनो रिएक्शन इंटरमीडिएट कोनो रिएक्टिव इंटरमीडिएट ए रिएक्टिव इंटरमीडिएट रो भी क्वेश्चन आछी केनते क्वेश्चन आछी देखो मु कहू जी रिएक्टिव इंटरमीडिएट रे कोन कोन क्वेश्चन आछी तुम्हारो कार्बोकैटायन कार्बिन नाइट्रिन बेंजाइन ए जिंस गुडा आछी तो तुमको स्टेबिलिटी रो कंपैरिजन रे क्वेश्चन आछी माने तुमको पचारि देबो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन तो सेही सब जिंस एडी पढिबो रिएक्टिव इंटरमीडिएट रे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड मु कोइले एटा ऑर्गेनिक जत्ते बेले भी स्टार्ट करजो एही सिक्वेंस रे पढिबो मोस्ट इंपोर्टेंट इजीली तुमको सब जिंस बुझा पडियो। नेक्स्ट फोर्थ टॉपिक होजी फोर्थ टॉपिक रे तुमको पढिबो रिएक्शन मैकेनिज्म रिएक्शन मैकेनिज्म रे कोन कोन पढिबो रिएक्शन मैकेनिज्म तुमे जेतला पढजो एटी तुमे तीनटा टाइप रो मेनली रिएक्शन पढिबो गोटे होची एडिशन एडिशन देन सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन देन देन तुमको कहूची एलिमिनेशन एलिमिनेशन कोन कोन पढजो एडिशन सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन रिएक्शन पढजो मेनली सब्स्टिट्यूशन तुमे जेतला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढजो SN1 SN2 SNI ध्यान रखि परिबो एलिमिनेशन रिएक्शन जेतला पढजो E1 E2 आउ E1C भी एडिटा रिएक्शन ध्यान रख पाइबो। नेक्स्ट रिएक्शन मैकेनिज्म परे तुम्हें मूव करो रिएजेंट आउ नेम रिएक्शन कोन कहली रिएजेंट आउ नेम रिएक्शन प्लस नेम रिएक्शन ए रिएजेंट आउ नेम रिएक्शन पई मु रिएजेंट तो जस्ट स्टार्ट कर छी नेम रिएक्शन रो इजीली मु गोटे वीडियो बने भी ट्राई करबी सिक्योरिटी एग्जाम पूर्वर बने भाई जोटी कि तुम्हें गोटे सीट रे पूरा सब नेम रिएक्शन मन रखी पारिबो बुझौ छी तो रिएजेंट नेम रिएक्शन में मेनली तुम्हें रिडक्शन बेस्ड रिएजेंट ऑक्सीडेशन बेस्ड रिएक्शन ध्यान देतबो आ ऑर्गेनोमेटालिक बेस्ड रिएजेंट रो क्वेश्चन आसुनी तो ताको स्किप करि पारियो आ नेम रिएक्शन रे मु कहबी को नेम रिएक्शन मेनली तुमको निहाती पढिवार अछि एटा पढि सला परे तुम्हें मूव करियो। नेक्स्ट तुम्हारो हेट्रोसाइक्लिक हे गला कि बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉरी बायो मॉलिक्यूल से गला एगुडा ध्यान दे पारिबो ता परे तुम ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पढिबो एमति पढिबो होले तुम्हारो कोन हो प्रॉपर गुटे वे रे पाइबो तुम्हे कि ऑर्गेनिक केमति पढिबो तुम बुझो जी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रो प्रॉपर एनालिसिस हे गला ता परे मु नेक्स्ट गुटे जिंस कहबी तुमको नेम रिएक्शन उपरे नेम रिएक्शन को केमति पढिबो और स्पेशली को नेम रिएक्शन को पढिबो ठीक अछि तो नेम रिएक्शन देते वाला भी स्टार्ट कर जो नेम रिएक्शन पूर्व तुम्हारा रिएक्शन मैकेनिज्म टा क्लियर थिबा कथा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लियर थिबा कथा स्टीरियो केमिस्ट्री क्लियर थिबा कथा तुम्हें अल्किल हैलाइड एराइल हैलाइड रे बहुत बड़े बेसिक रिएक्शन पढ़ छो जोड़ा 11 12 रे भी पढ़ छो तो मेनली मु तुमको कहबी एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर रे जते भी नेम रिएक्शन होची ताको कवर करबो आ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड रे जते भी नेम रिएक्शन होची सेगुडा कवर करबो तो एल्डिहाइड कीटोन रे मेनली तुम्हें को नेम रिएक्शन कवर करबो देखो मु कहू छी फर्स्ट हो जी एल्डोल कंडेंसेशन कानिजारो रिएक्शन नोबेल एंजल रिएक्शन ए सब रिएक्शन गुडा क्लियर करबो ता सहित तुम्हें क्लियर कर पारियो हम कहि दु तुमको विटिक रिएक्शन भी क्लियर कर पारियो बेंजोइन कंडेंसेशन भी क्लियर कर पारियो
परकिन रिकंडेंसेशन भी क्लियर कर पारिब बैकमैन रीअरेंजमेंट ए सब जिन सब को क्लियर कर पारिब ए सब जिन सर क्वेश्चन नियाती आसुजे तुमरो एग्जाम रे ता सहित जते रिडक्शन अछि तुमरो कार्बोनिल कंपाउंड रो रिडक्शन जते अछि जें कि क्लीमेंसन रिडक्शन ओल किशनर रिडक्शन एमपीवी रिडक्शन माने मीरोइन पंड्रा वैली रिएक्शंस रिडक्शन ए सब गुडा ध्यान देकि क्लियर कर पारिब आ मोस्ट इंपोर्टेंट गुडा जते भी रिडक्शन बेस्ड रिएजन अछि तुमरो कोन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हला सोडियम बोरोहाइड्राइड हला ए सब रो रिडक्शन बेस्ड रिएक्शन गुडा देखित बडी कि केमति से कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करजी ए सब बोला नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड रे तुमे दी तीनटा रिएक्शन देखियो गुडा होजी क्लाइजन रीअरेंजमेंट और क्लाइजन कंडेंसेशन एटा देखि परबो डिकमेन कंडेंसेशन देखि परबो ता सहित तुमे देखिबो रिफॉर्मर्स की रिएक्शन ए सब गुडा तुमरो ऑलरेडी अच्छी सिलेबस रे कटियस रीअरेंजमेंट भी अछि तुमरो तापर तुमरो हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड रे पडिबो कार्बिलामाइन टेस्ट ए सब जिंस पडिबो ए रिएक्शन तो मेनली ए नेम रिएक्शन गुडा को पडिबार अछि तुमको बुझे हो जी तो एटा थिला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रो कंप्लीट एनालिसिस कहां पई सीपीटी एग्जाम पई तुमे जदी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हार्ड भावो छो ताले हार्ड बोली भावोनी गोटे सीक्वेंस रे प्रॉपर स्टार्ट करो ठीक हो जी आ सीक्वेंस रे स्टार्ट करला परे ताकू पढ़ो बुझे हो जी पिला माने ओके सो थैंक यू तुम मानको समस्त को वीडियो को वाच करबा पई तो या पूर्व मु गोटे जिंस कोइ रो बुझ कोनो जदी तुमे सिलेबस रो वीडियो अबे जाने देखिनो तारो वीडियो निहाती देखो सेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे तुमको मिलि जिवो थैंक यू।